जय भोलेनाथ जय हो प्रभु सबसे। ओ भैया किधर, ये लिफ्ट साहब लोगों के लिए है, कॉमन लिफ्ट उधर है, चलिए। देखो भैया शिव प्रसाद, हमारा नाम गौरी शंकर है। गौरी शंकर? अरे गौरी शंकर हो या शिव प्रसाद हो क्या फर्क पड़ता है, आखिर दोनों नाम भगवान शंकर का ही है ना। हाँ ये तो है, जय भोलेनाथ। अच्छा देखिए गौरी शंकर जी, मैं आपके लिफ्ट में नहीं आना चाहता, आपसे सिर्फ ये मालूम करने आया हूँ कि आपने सिंघानिया साहब को किस फ्लोर पे छोड़ा है। देखिए भैया हमारी कंपनी का रूल है, बाहर के आदमी को साहब लोगों के बारे में कुछ नहीं बता सकते, इसलिए सर हम आपको नहीं बता सकते कि सिंघानिया साहब को हमने 20वें माले पर छोड़ा है। ठीक है मत बताइए, लेकिन आप इतना तो बता सकते हैं कि वो कौन से सेक्शन में गए। कमाल करते हैं आप, जब हम आपको ये नहीं बता सकते कि हमने साहब को 20वें माले पर छोड़ा है तो ये कैसे बता दे कि साहब अकाउंट डिपार्टमेंट में गए हैं। आप इस रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। करना पड़ता है भाई, इस मामले में हम बहुत स्ट्रिक्ट है, लेकिन फिर भी पता नहीं हर आने वाले को साहब लोगों के बारे में सब पता चल जाता। अच्छा अब कल ही की बात है, चोपड़ा साहब की बीवी आई थी, लाख पूछने पर भी हमने उनको बताया नहीं कि चोपड़ा साहब अपने ऑफिस में नहीं बल्कि स्टोर रूम में अपनी सेक्रेटरी के साथ हैं। क्या बात कर रहे हैं, उनको पता चल गया और दौड़ी सीधे स्टोर रूम में, चोपड़ा साहब को सेक्रेटरी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। अब बताओ कैसे पता चला होगा। जरूर कोई गद्दार होगा है? अरे और नहीं तो क्या। अच्छा ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है वो लेफ्ट में पड़ता है या राइट में पड़ता है, ये हम आपको बता सकते हैं क्योंकि ये तो साहब के बारे में है ही नहीं। अकाउंट डिपार्टमेंट जो है ना लेफ्ट में है ना राइट में, आप सीधे चले जाइए सामने, घुस जाइए। अच्छा चलो चलता हूँ, थैंक यू शिव प्रसाद जी। ओके अरे शिव प्रसाद क्या फर्क पड़ता है, आखिर दोनों नाम है तो भगवान शंकर के ही। जय भोलेनाथ। कई कंसर्न्स ने तो अपने टिकट का कोटा बेचने के बाद एक्स्ट्रा टिकट्स की रिक्वेस्ट भी की, हमारी क्रू से सेल होने से पहले सक्सेसफुल हो गई।